भी तेरे नल प्यारे दूजा कोई नहीं बनाउणा। ओए होए होए ਸਫਰੀ ਸਾਡੀ ਬੁਟਿਆ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁਟਿਆਰ ਬਣਾ ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋੜ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਰੰਗ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਰਤੇ ਖੱਟੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਪਲ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਅਰੁਣ ਭਾਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ कुंडल लेक जो है उसके लेफ्ट साइड पे कंडोल अरुण भाई बता रहे हैं कंडोल सॉरी कंडोल ही है मेरी असल में जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है ना सांस की वजह से टूट गई है तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए नाइट ट्रैकिंग का मजा आ रहा है ये गजनफर भाई बैठे हुए हैं मैं तो कहता हूँ आज रात ही करते हैं हाँ आज रात ही करते हैं पता नहीं क्या करते हैं ये खैर एक अलग सब्जेक्ट है बहरहाल वो कह रहे हैं आज रात ही करते हैं ये लाल साहब बैठे हुए हैं लाल साहब माशाल्लाह दबो दब चीको छिक आ रहे हैं और मुर्शिद पाक आके मुर्शिद पाक बैठे ने जनाब ते बड़ा मजा आ रहा है मेरी तुहानू आवाज आ रही है ते ऐ अदर भाई बैठे ने नज़र तो नहीं आ रही उनके लाइट आ सकती उन्हें नज़र तुहानू फिलहाल ते हुण असी जनाब उत्ते ऐ झील दे तो हल्की हल्की ऐ एक मिनट मैं चुप करना तू सुनो जरा ਐ ਮਸਾ ਹੈ ਐ ਐ ਝੀਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲਕੀ ਨਾਈਟ ਵੀ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮਿਲਕੀ ਨਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਕੀ ਨਾਈਟ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਬਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਟਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ चाह पकी पी अज तक कुकर च गोश्त उबालदे सी गन्ने उबालदे सी लेकिन अज तुसीं वेखोगे कुकर च चाह उबालिए क्योंकि इत्थे चाह उबालना भी एक साइंस है लो जी बटान भांडा मुकाम तो असी राती क्याम किया सी अज 11 सितंबर है ते ऐ वेखो ऐ मुर्शिद पाक दे नाल लाल खान साहब ने ते ऐ नीलियां पीलियां शर्टां पा के आए जनाब गुजनफर शरीद कुवारे साहब शरीद कुवारे भी हैं ये और चार घंटे में रात को हम तकरीबन 9 बजे यहाँ पे पहुँचे थे ये कंडोल झील को हमने क्रॉस किया था रात को तो ये नज़र नहीं आई बदतमीज अभी नज़र आ रही हल्की हल्की लेकिन अब ये किस्मत इसकी कि इसको हम इतना ही देख सकते हैं क्योंकि हमारा ट्रैक आगे है पड़ाव आगे है अगला तो हम अतरोड से तकरीबन 4 घंटे में ट्रैकिंग करते हुए ये केड़ी जगह सी जी ऐ बोलो जी जगह दा नाम बोलो बटान बटान बांडा पता नहीं केड़ा ते ऐ वेखो ऐ हुण ऐ सिस्टम है जिहड़ा असीं क्रॉस करना है बैक ते असीं जाना है ऐ सिस्टम जिहड़ा नज़र आ रहा है तुहानूं ऐ तुहाडा पूरा चैक करो सिस्टम चैक करो ते ऐ इंशाल्लाह जिहड़ा ऐ बोर्डर तुहानूं नज़र आ रहे ने बोर्डर क्रॉस करके ते ऐ असीं जिहड़ा है ना पास ये पास अज क्रॉस करना इंशाल्लाह ते ऐ चोटी तुहानूं नज़र आ रही है किन्नी धुप पै रही है बड़ी मज़े की चोटी लग रही है ते इंशाल्लाह अज साडी तकरीबन 8 से 10 घंटे की ट्रैकिंग है साडे गाइड ने सानूं डराया तो है लेकिन उन्हें नहीं पता कि असीं पागल हैगे आ असीं जदों घरों निकले आ ते कफन सिर ते बांध के आने आ ये जनाब हम बोल्डर पोर्शन जो क्रॉस कर रहे हैं ट्रैकिंग में जो सबसे मुश्किल ट्रैकिंग होती है वो बोल्डर्स पे होते हैं ये जो लूज़ आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं मोशन नहीं है यार पत्थर ये लूज़ पत्थर नज़र आ रहे हैं ना इनके ऊपर चलना बहुत दुश्वार होता है ऐ चेक करो ऐ चेक करो ऐ सारे बोल्डर हैं लूज़ बोल्डर हैं सारे तो इन्हें चलना इसको तो मुश्किल होता है कि एक तुसी पैर रखे है ना तो यकदम स्लिप होता बोल्डर तो या फिर बोल्डर उच्चे नीवें पे होंगे ने तुहानू फिर जंप करना होंगे तो इस वजह तो तुहाडे जिहड़े गोडे किटे रह जाते हैं बोल्डर पोर्शन जिहड़ा ना हुण साडा स्टार्ट हो चुका है तो असी कंडोल झील नू काफ़ी पिछे छोड़े आए हाँ तो हुण इंशाल्लाह साडा जिहड़ा अगला सफर है वो दरवाज़ा पास की तरफ रवान दवा है तो असी दबो दब छिको छिक के पट्टो पट जा रहे हैं तो इन्हां नू पता नहीं कि अग लगी मेरे तो अगे लंघ गए सारे जैसे जैसे हम ऊपर पास की जानब
जा रहे हैं, बोल्डर्स भी बढ़ रहे हैं और हाइट भी बढ़ रही है और ये हमारी टीम आहिस्ता आहिस्ता हल्की आँच पे जो मूव कर रही है। ये नाला आ रहा है और इस नाले की आड़ में हम जा रहे हैं झीलों की तरफ। शायर ने अर्ज़ किया है हमारे साथ गए तो गए, मुर्शिद पार्क हमें लीड कर रहे हैं और ये हम अल्टीमेट हाइट पे पहुंच रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बहुत कम है, ऑक्सीजन बहुत कम है और हमारा जो टारगेट है वो अभी दरवाज़ा पास है और हम जाई जा रहे हैं, बस अभी पहुँच ही जाइए गिरे और गोल्ड रिपोर्ट्स में आ गई है।